हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। एकलव्य मॉडल रेसीडेंटाल स्कूल तरफ बहुत गुड़िया पोस्ट वैकेंसी बाहरी। पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही, पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही विषय में आपको संपूर्ण सूचना देवी। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी और बेल आइकन प्रेस करने को भूलु ना। चलो पोस्ट विषय डिटेल से जानवा। डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपसे पहुंची पारे ना आप गूगल में सर्च करेंगे इ निजुक्ति डॉट इन जो आप प्रथम आसे क्लिक कर पोस्ट में पहुंची पारे। यहाँ शो कर ईएमआरएस रिक्रुटमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट में एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल वैकेंसी बाहर टोटल जो पोस्ट वैकेंसी रही 4062 पोस्ट वैकेंसी रही। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट रही 31/7/23 रही 31/7/23 ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप लास्ट डेट रही। कमी आप अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो ये चैनल आप अच्छी आप चेकआउट करेंगे। आपको एप्लीकेशन फी एज लिमिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डॉट इन साइट विजिट करेंगे आप भल चेकआउट करेंगे। ये आप सिलेबस रही प्रिंसिपल पीजीटी नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट सिलेबस भी आप चेकआउट करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आर्ट में क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भल भाव रीड आउट करेंगे। यहाँ आप रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आप पोस्ट रही प्रिंसिपल पोस्ट 303 पोस्ट वैकेंसी रही। पीजीटी 2266 पोस्ट वैकेंसी रही। अकाउंटेंट नॉन टीचिंग पोस्ट जो रहा अकाउंटेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लैब अटेंडेंट नॉन टीचिंग पोस्ट अकाउंटेंट 361 पोस्ट अच्छी। आपंकर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 769 पोस्ट अच्छी। लैब अटेंडेंट 373 पोस्ट वैकेंसी रही। टोटल जो पोस्ट वैकेंसी रही 4062 पोस्ट वैकेंसी रही। प्रिंसिपल जो पोस्ट रोज आप ग्रुप ए पोस्ट रोज टोटल जो आप वैकेंसी रही 303 आप वैकेंसी रखाई। सेमती आप पीजीटी आप ग्रुप बी पोस्ट रोज इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश 246 पोस्ट रही। हिंदी 200 मैथमेटिक्स 244 केमिस्ट्री 169 फिजिक्स 179 आपको बायोलॉजी 236 हिस्ट्री 185 जियोग्राफी 154 कमर्स 146 इकोनॉमिक्स 161 कंप्यूटर साइंस 172 पोस्ट टोटल जो पोस्ट वैकेंसी 2086 पोस्ट वैकेंसी रही। सेमती आप पीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज रहा आप मराठी ओडिया तेलुगु संस्कृत बंगाली और सांताली लैंग्वेज में यही सब पोस्ट आप 180 पोस्ट वैकेंसी रही। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 769 पोस्ट वैकेंसी रही। अकाउंटेंट 361 लैब अटेंडेंट 313 पोस्ट रही। नॉन टीचिंग पोस्ट 1493 पोस्ट वैकेंसी रही। जो सब पे स्केल रहा प्रिंसिपल पोस्ट पे स्केल रहा लेवल 12 रहा 78,000 2,09,200 आप पे स्केल रहा। सेमती आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी आप रही लेवल 8 पे स्केल रहा 47,600 151,100 आप पे स्केल रहा। अकाउंटेंट लेवल 6 रहा 45,400 रहा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 2 रहा 19,900 रहा। लैब अटेंडेंट लेवल 1 पे स्केल रहा 18,000 आप 56,900 आप पे स्केल रहा। मोड अफ एक्जामेशन आप ओएमआर बेस्ड आप मोड अफ एक्जामेशन आप रिटर्न एक्जाम आप ओएमआर बेस्ड आप रिटर्न एक्जामेशन आप एक्जाम पैटर्न आप कमी आप एक्जाम सब देते प्रिंसिपल आप एक्जाम पैटर्न रही आप चेकआउट करेंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड करी भल रीडआउट करेंगे इनिजुक्ति डॉट इन साइट विजिट करी आप पीडीएफ डाउनलोड करी भल पढ़ी पारे। आप पीजीटी रही एक्जाम पैटर्न आप अकाउंटेंट रही जूनियर असिस्टेंट रही लैब अटेंडेंट रही आप भल चेकआउट करेंगे। सिलेबस आप इनिजुक्ति डॉट इन साइट विजिट करी आप पोस्ट वाइज आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे। यही सब पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कौन रही आपकी प्रिंसिपल पोस्ट आप मास्टर डिग्री आपड़ा दरकार सहित आप बीड कर दरकार सहित आप 12 वर्ष एक्सपीरियंस होगा दरकार आज ए वाइस प्रिंसिपल ना पीजीटी ना टीजीटी विथ मिनिमम 4 इयर आज ए पीजीटी एंड अबव आप एक्सपीरियंस होगा दरकार। सेमती आप पीजीटी पोस्ट आप एज लिमिट रखाई 40 वर्ष अधिका एज लिमिट होता दरकार आपंकर मास्टर डिग्री करवा दरकार यही सब्जेक्ट आप मास्टर डिग्री करवा दरकार जो पीजीटी आप अप्लाई करेंगे पीजीटी इंग्लिश अप्लाई करेंगे आप इंग्लिश में मास्टर डिग्री करवा दरकार जो हिंदी हिंदी में मास्टर डिग्री करवा दरकार यही आप मास्टर डिग्री करवा दरकार सहित आप बीड कर दरकार पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो मैंने अप्लाई करेंगे से जो क्वालिफिकेशन रखाई एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी आप एमएससी कंप्यूटर साइंस की आईटी आप करते हैं आप एमसीए करते हैं आप पोस्ट को अप्लाई करेंगे एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी करते हैं आप पोस्ट को
अप्लाई करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस को अप्लाई करेंगे। अकाउंटेंट पेज सेम रही है एज लिमिट रखा है नॉट एक्सीडिंग 30 वर्ष, 30 वर्ष अधिक है ना दरकार आपड़ी आज पर एज लिमिट हिसाब से आपंकर एस टी एस हिसाब से गवर्नमेंट रूल हिसाब से आपको एज लिमिट मिल जाए। डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपड़ा अकाउंटेंट पे जो मैंने अप्लाई करेंगे से मैंने कॉमर्स डिग्री बीकॉम कर दरकार। सेकेंडरी असिस्टेंट जो मैंने अप्लाई करेंगे सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनिट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनिट इन हिंदी टाइपिंग। जो मैंने जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट पे अप्लाई करेंगे से प्लस टू प्लस करवा दरकार सहित हैंड स्पीड थवा दरकार इंग्लीश टाइप राइटिंग स्पीड थवा दरकार 35 वर्ड पर मिनिट थवा दरकार आप हिंदी जब आप इंग्लीश ना तो आप हिंदी में आप 30 वर्ड पर मिनिट टाइप टाइपिंग कर पार्थवा दरकार। जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट पे प्लस टू सहित यही क्वालिफिकेशन आप पाखे थवा दरकार। लैब अटेंडेंट पे जो मैंने अप्लाई करेंगे से एज लिमिट रखाई अप टू 30 वर्ष एज लिमिट रखाई 10th क्लास पास विथ ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक सहित आप डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्निक आपड़े आप अप्लाई करें ना आप 12th साइंस पास करेंगे तो आप लैब अटेंडेंट पे अप्लाई करेंगे। आउ जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही है पढ़ी पारे ये आप एज लेसन देखिए आप एस सी एस टी कैटेगरी होते 5 वर्ष एज लेसन मिल जाए ओबीसी नॉन क्राइम लेयर होते 3 वर्ष मिल पीडब्ल्यू कैटेगरी होते आप एस सी एस टी होते 15 वर्ष ओबीसी होते 13 वर्ष जनरल कैंडिडेट 10 वर्ष आपको एज लेसन मिल जाए। आज जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही है भल भाव आप चेकआउट करेंगे। एग्जामिनेशन सिटी आप एग्जाम देते कौ सिटी आप देते सिटी कोड आप देती स्टेट वाइज आप रही ओडिशा आप जो एग्जाम सेंटर रोज ओडिशा आप रही कोड रही 127 ओडिशा आप भुवनेश्वर में गोटे जगह आप एग्जाम हो भुवनेश्वर आप एग्जाम सिटी आप रही आप चेकआउट करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप भुवनेश्वर सिटी आप चूज करेंगे। आज जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रही है भल भाव आप पढ़ने केमी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप वीडियो ये चैनल आप रही आप चेकआउट करेंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तरफ टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट रो वैकेंसी विषय में आपको डिटेल्स कही सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छे कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आप भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आप सब फ्रेंड मैं सेयार कर दिंतु ये चैनल को सब्सक्राइब करा भूलुनी। धन्यवाद।